Manali speed takes over the running. 2.5 lengths ahead of Confidential in second position. Rocco's Revenge is racing third, then comes Blue Diamond. After that comes Bosky, Lucky Star on the inside. Then we've got Speed Accelerator, Abracadabra and Cat. Lucky Star! Lucky Star! Come on, Lucky Star! Lucky Star! Come on, come on! Come on, Lucky Star! Beautiful. Come on, Lucky Star! Come on! Yes! Lucky Star! Lucky Star! Come on, come on! Come on! Come on! Yes! Come on, Lucky Star! Come on, Lucky Star! Come on, Lucky Star! Lucky Star! Round the turn into the straight, and it's Lucky Star on the outside who's gone ahead. Lucky Star, come on, Lucky Star! Bosky coming up fast on the outside, and Blue Diamond with about 300 meters more to run there. Lucky Star is about a length in front of Bosky coming up fast on the outside. Then there's Blue Diamond, a cool customer with about 200 to go, and it's still Lucky Star now being joined by Bosky going ahead. It's Bosky about a length and a half in front of Lucky Star. Then there's Blue Diamond, found a confidential cool customer, but it's Bosky who wins this. From Lucky Star finishing second, Blue Diamond is third, and there's cool customer confidential. Damn it! Excuse me, Johnny. मेरा नाम विकी है। तो मतलब की बात यह है कि आप अपना दिल छोटा मत कीजिए और मेरा टिकट आप रख लीजिए, क्योंकि इससे आपके दिल को खुशी मिलेगी और मुझे आपका दिल। Shut up. One Pepsi, please. जी हाँ। सॉरी मैडम, 1000 रुपए का छुट्टा नहीं है। तो मैं क्या करूं, मेरे पास भी छुट्टा नहीं है। एक नहीं, दो पेप्सी जानी। एक मेम साहब के लिए और एक मेम साहब के साहब के लिए। लीजिए। Shut up and get lost. चकराया कौन है? सॉरी। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप ऊपर रहो, हम नीचे जाता है। अरे वाह, आज तो दिन निकल गया। देखिए आप शरीफ आदमी लगते हैं। अरे थैंक यू। आप मेरा एक छोटा सा काम करेंगे प्लीज? अरे मेरे से क्या शर्माना, बोलो क्या मदद चाहिए आपको? देखिए आप गलत मत समझना, पर थोड़ी देर के लिए आप मेरे पति बन सकते हैं प्लीज? अरे क्या बात करता है, बस थोड़ी देर के लिए? जी हाँ, वो लड़का देख रहे हैं आप? वो? हाँ। वो लोफड़? हाँ, वो बहुत देर से मेरे पीछे पड़ा है। अगर आप मेरे पति की एक्टिंग करेंगे तो शायद वो मेरा पीछा छोड़ दे। अच्छा? ओह माय गॉड, वो इधर आ रहा है। देखिए वो इधर आ रहा है। आप उसके सामने बहुत धौंस जमा के एक्टिंग करना। हाँ अच्छा, ओके। इधर नहीं, उधर। अरे हाँ, उधर देखने का है। अरे ऐसा टुकुर टुकुर क्या देखता है? तेरा इतना छोटा छोटा टुकड़ा बनाएगा कि अगले जन्म में ना तू पाउडर बन के जन्म लेगा, समझा? अरे देखता नहीं है, ये बेड़ा औरत है। तो ये आपकी बीवी है? हाँ, नहीं तो क्या तेरी बीवी है? चल दूर हो जा, नजर के सामने से दूर हो जा, दूरबीन के अंदर भी नजर नहीं आना चाहिए। चल निकल। मैं डर गया? अरे यार काय को परेशान करता है, जाओ ना बाबा। देखा इस बहादुर इंसान का कमाल, हाथ भी नहीं उठाना पड़ा, सिर्फ नजर से नजर मिलाया, चूहे की तरह भागा वो। मुझे समझ में नहीं आ रहा आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। अरे शुक्रिया अदा करना है तो चाय और कॉफी के लिए बुलाओ। वैसे आपने पूछा नहीं, लेकिन इस बहादुर इंसान का नाम है KBC। कौन बनेगा करोड़पति? अरे उससे भी बहुत बड़ा नाम है हमारा, किशन चंद भगवान दास चिल्लामानी। किशन चंद भगवान दास? नाम बोलने में तकलीफ होता है ना, चार ऑप्शन देता है, किशन भग्गू चंदू चेलू, जो जी में आए बोलो। तो फिर ठीक है चेलू जी, आज शाम 7 बजे मिलते हैं, ओबरे होटल में मेरा रूम है 555, वहीं बैठ के कॉफी पियेंगे। रूम नंबर 555, ओबराय का कमरा, अकेली लड़की, चेल अड़मानी क्या सोचता है? अगर आप फ्री हैं तो, वरना अगले साल मिलेंगे रेस में। अरे नहीं 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 नहीं, चेल अड़मानी आ जाएगा ना, रात को बुलाओ, सुबह बुलाओ, जब भी बुलाएगा चेल अड़मानी, एट योर सर्विस। ओके
आपने अपना नाम नहीं बताया। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, काफी पीते पीते भी डिस्कस करने के लिए कोई टॉपिक होना चाहिए ना। ओके बाय 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 बाय। डड्डो सुट्टो डड्डो सुट्टो डड्डो। चेलू जी। अरे चढ़िया तुम फिर से आ गया। अरे निकल ये लो मियो परेशान करेगा। अरे जब दूर से अरे रोमियो अभी जाने का क्या लेटा है। मैं फिर डर गया। जब से गाड़ी से उतरी हूँ मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मतलब मेरी गाड़ी का पीछा जरूर करेगा। आप मेरा छोटा सा काम करेंगे प्लीज। अरे यार एक डजन काम बताओ हम सब करेगा। ये मेरी गाड़ी की चाबी है, व्हाइट होंडा सिटी 4175। आप इसे लेके अभी चले जाइए, शाम को ओबरॉय में ले आना। मैं उसे चकमा देके टैक्सी में आती हूँ। अरे क्या बात करता है आप, टैक्सी में जाएगा? हमारा गाड़ी क्या कार नहीं है? अरे हमारा मर्सिडीज का चाबी आप रखो 3094। नहीं अरे मेंबर्स एंक्लोजर में रखा है, उधर जाके गाड़ी लेके निकल जाना है। उधर इस टपोड़ी को अंदर जाने भी नहीं देगा। कैसा लगा हमारा आइडिया? हमारी गाड़ी लेकर आप जाना और आपकी गाड़ी लेकर हम आएगा। और बड़ो 3094। ये तुम्हारे आइडिया के लिए, ये हमारी एक्टिंग के लिए, ये हमारी मोहब्बत के लिए, और ये तुम्हारे केबीसी के लिए। धोखा चीट
नहीं नहीं भंवर सेठ, चोरी की गाड़ियों के रोज रोज नए पेपर बनाना आसान काम नहीं है। इससे मेरी नौकरी भी जा सकती है और आरटीओ की नौकरी बड़ी मुश्किल से मिलती है। देखो ए, मैं ज्यादा बकवास सुनने का आदी नहीं हूं। एक बार जिसने भंवर के साथ धंधा किया ना, वो भंवर के भंवर में फंस के रह गया है। ज्यादा नाकानी की ना तो टुकड़े टुकड़े करके टैंकर में डाल के टैंकर को खाई में फेंकवा दूंगा। ओए शहजादे, ओए क्या बात है, चारी गड्डियां मार कर लाया है? गाड़ियों का तुमको कैसे मालूम पड़ा जानी? भंवरलाल की बेईमानी का भंवर बहुत बड़ा है शहजादे। माल बाद में चोरी होता है, खबर पहले मिल जाती है। चल इन गाड़ियों का 50,000 ले ले और पतली गली निकल जा। 50,000 रुपए चार गाड़ियों का? भंवर सेठ, इंपोर्टेड गाड़ियां लाया हूं, कोई साइकिल नहीं लाया हूं। ओए शहजादे, साइकिल होता ना तो मैं जरूर ले लेता। क्या है ना कि छोटी चीज को छुपाना बहुत आसान होता है, बड़ी गाड़ियों को कहां छुपाऊंगा भाई। 1,00,000 ले ले और चलता बन। 1,00,000 रुपए लेने से अच्छा है कि मैं गाड़ियों को आग लगा दूं जानी। भाई तेरी मर्जी है,
तेरा माल है आग लगा दे, पर जरा दूर जाकर लगाना वरना खामखा मेरे गोदाम में आग लग जाएगी। आखिरी बार बोल रहा हूँ, 5 लाख रुपए देते हो क्या? 1 लाख से 1 रुपया ज्यादा नहीं शहजादे, 5 लाख की बात करता है, पागल हो गया। इसके लिए साइकिल चोरी ठीक है जानी। चल साक्षी, ट्रेलर घुमा और गाड़ियां चढ़ा। भंवरलाल से अपनी पटने वाली नहीं है, 50,000 रुपए के लिए सौदा ठुकरा दिया। 50,000? हाँ चल। ए विकी, कहाँ जा रहे हो? दूसरा ग्राहक ढूंढने, तेरे भाई से अपनी पटने वाली नहीं है। अरे तू बोल ना, मैं पटा लेता हूँ, मेरा मतलब है मुझसे बात करना। बोल क्या बोलते? ये गाड़ियां देखी है, 5 लाख रुपए मांगे थे तेरे भाई से, 4.5 पे अटका हुआ है, 50,000 के लिए नाटक कर रहा है। गॉड, भंवरलाल जैसा आदमी, व्हाट अ शेम। अरे इसके लिए तो मैं बैठा हूं ना, मैं देता हूं 5 लाख इसके, मेरा मतलब है गाड़ियों के। पहले अपने भाई से तो बात कर, फिर पलट गया तो। अरे मैं जबान दे रहा हूं ना, तू गाड़ियां छोड़ और पैसे ले जा। ला। अरे तू शाम को क्लब तो आता है ना जुआ खेलने, ले जाना। ओए फिट है मुँह तेरा, तू पागल हो गया, तेरा दिमाग खराब हो गया, 5 लाख में हाँ करके आ गया। पाजी साक्षी के सामने मेरी इज्जत का सवाल था। ओए उल्लू के पट्टे, उस लड़की के चक्कर में करवा दिया ना 4 लाख का घाटा, ओए उस 4 लाख में तुझे उस जैसी 40 लड़कियां मिल जाती, बेवकूफ ना होए कहाँ। ओए कूल डाउन पाजी, कूल डाउन, कामा का क्यों अपना ब्लड प्रेशर हाई कर रहे हो? पाजी विक्की पैसे लेने शामी क्लब में तो आएगा ना, आन दो। पत्ते देखते उसके हाथ में खुजली होने लगती है पाजी, साले को 15 मिनट में कंगाल करके भेज दूंगा, 15 मिनट में अपने को ये गड्डिया पकड़ो पड़ जानी है पाजी, छोटे की बात भी रह जाएगी, अपना पैसा वसूल हो जाएगा। तुसी अपना दिमाग ठंडा रखो बस पाजी, दिमाग ठंडा रखो बस। आ गया मनहूस। अरे कीड़े पड़े इसके हॉर्न में, जरा अपनी लाडली भांजी से तो पूछो इस लड़के से उसका क्या रिश्ता है, कभी कहती है बॉस है, कभी कहती है दोस्त है। वो मेरा प्यार है और हम बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। सुना सुना, कितनी बेशर्मी से प्यार और शादी की बातें कर रही है हमारे सामने। अरे तेरे माँ बाप तो भगवान को प्यारे हो गए, अगर हम तुझे नहीं संभालते तो तू कहीं की भी ना रह जाती। पूछ अपने मामा से, कोई गोद लेने तैयार नहीं था तुझे। और सुन, जिस तरह तेरा यह आशिक रोज गाड़ी बदलता है ना, किसी दिन सवारी भी बदल देगा। ऊपर वाला रहम करे, शकल बता रही है कि घर में महाभारत छिड़ी हुई है जानी। बिन माँ बाप की बेटी को सारी दुनिया गाली देती है, लेकिन मेरी मामी अपनी कहलाने वाली मुझे रोज ताने सुनाती है कि तुम भी मेरा साथ छोड़ दोगे, लेकिन मेरा मन, मेरा विश्वास, मेरा प्यार नहीं मानता। फिकी, मैं तुम्हारे लिए सारी दुनिया से लड़ सकती हूँ, एक सिर्फ तुम्हारे आगे हार जाती हूँ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ विकी, बहुत प्यार, बहुत प्यार। लेकिन मैं अकेली। हे साक्षी, हे, रो मत। चल मैं तेरे अकेलेपन को दूर कर देता हूँ, हम शादी कर लेते हैं। तुम सच कह रहे हो? ये ले, तेरे सर पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, अभी अपना ये बंडल चेहरा ठीक कर। और वो क्या करती है तू 3 बार जानी? ये तुम्हारी कसम के लिए, ये हमारी शादी के लिए, और ये हमारी नई जिंदगी के लिए। और ये तुम्हारे रोने के लिए। हाँ।
आओ आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। पैसे निकाल और इंतजार करता रहे। तुमने मुझे टोपी लगा के ये सौदा किया, लेकिन मैं जबान दे चुका था इसलिए। जानी, तीनों भाइयों में तू भी जुबान के पक्के हो। हाँ विके, चल उस टेबल पे बैठते हैं। मैं खेलने नहीं आया। हर बार यहाँ कैश लेने आता है, आज देने आया था क्या? जो खेल नहीं रहा है। अरे नहीं गुल्लू भाई, चार गाड़ियों का 5 लाख वसूल करके जा रहा है ये। ओए छोटे, तूने कैसे चेक पेमेंट किया क्या? इसको कैश दे कैश, तब खेलेगा ये। जानी, पूरा का पूरा कैश है 5 लाख, और मैं नहीं खेलूंगा। ओए कमाल है, आज तेरे हाथों में खुजली होने के बजाय तेरे माथे पे पसीना आ रहा है। चलो विकी। अरे साक्षी को रंजीत घर छोड़ देगा, चल हम खेलते हैं। गुलू, मैंने आज से जुआ खेलना छोड़ दिया है। क्या जुआ खेलना छोड़ दिया है? ओ सुनो, इसने आज से जुआ खेलना छोड़ दिया है। ओए जुआ खेलना छोड़ दिया है या मंजे हुए खिलाड़ी के सामने घुटने टेक दिए हैं? अरे नहीं गुल्लू भाई, विक्की इसलिए नहीं खेल रहा क्योंकि वो साक्षी की शादी के लिए पैसे जमा कर रहा है। ओए खोटी बात ना कर रंजीते, ये तो साक्षी को उसकी मामी से खरीदने के लिए पैसे जमा कर रहा है। गुल्लू, विकी खेलेगा। हाँ आज तुम्हारे साथ विकी खेलेगा। तुम्हें मेरी कसम विकी, सिर्फ आज के दिन तुम जरूर खेलोगे। चल आ जा। हम नए ताश के साथ खेलेंगे, पत्ते ना तुम बांटोगे ना मैं, साक्षी बांटेगी। मैं सिर्फ एक ही दाव खेलूंगा, पूरे 5 लाख रुपए। क्यों, हाथों में खुजली होने के बजाय माथे पे पसीना आ रहा है क्या? मंजे हुए खिलाड़ी के पास कैश कम पड़ रहा है या जिगर? अरे जा जा, खेलता हूं ना। छोटे निकाल 5 लाख रुपया। भैया से मैं क्या कहूंगा? भैया से कह देना खानदान की इज्जत का सवाल था। अभी एक दांव और खेलेगा। मैंने पहले ही कहा था। कहने से क्या होता है, तू इस तरह यहां से जीत कर नहीं जा सकता। और अगर हार जाता तो? अगर गेम छोड़कर जाएगा तो हड्डी भी तोड़वाएगा और पैसे भी कमाएगा। देख गुल्लू, मैं यहां लड़ने नहीं आया हूं। लड़ने नहीं आया? देखिए पैसे मैं जीत चुका हूं। तो अब हार के जा।
मैंने तुझसे कहा था मैं एक ही दांव खेलूंगा। एक ही दांव खेलेगा? बोलता हूँ खेल। विकी ये मर चुका है, चल भाग। ए, पकड़ो इन्हें, भाग लेना पाए। भंवरलाल जी, अभी अभी वायरलेस पर खबर मिली कि उन दोनों ने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया है। आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, हम उन दोनों को वो सजा देंगे कि न तुम उसे हाथ लगाओगे और ना ही कानून उसे सजा देगा। कुल्लू की मौत एक हादसा थी और वह सुअर विक्की भी हादसे का शिकार होगा। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि वो कौन से पुलिस स्टेशन में है। हाँ हाँ हो जाएगा, हाँ देख लेंगे। हमारे भाई की मौत एक हादसा थी। रंजीत ने मुझे सब कुछ बता दिया है। विकी बेकसूर है, इसे जाने दो। टाइम टाइम की बात है भाई, उसका वक्त आ गया था तो वो चला गया। तुम्हारा वक्त आएगा तो तुम भी जाओगे। जाओ, तुम दोनों आजाद हो। ये तुम्हारी हिम्मत के लिए, ये हमारे विश्वास के लिए और ये हमारी आजादी के लिए और ये हमारे कभी ना छूटने वाले साथ के लिए। साक्षी भाग,
भाग। अरे एक्सीडेंट हो गया। Bon voyage. Happy journey. Thank you. I appreciate it. Bye. अच्छा तरीका निकाला है हमसे बचने का। पाजी, चढ़ा दो गाड़ी इस पे। अरे साहब आप क्या है? क्या साहब गाड़ी खराब हो गई जो आप बस में आए? चोरी हुई है। गाड़ी चोरी हो गई? कमाल है। नमस्ते साहब। नमस्ते। सलाम साहब। सलाम। सुनो, मुझे जानते हो? अरे आपको कौन नहीं जानता साहब। हेलो, 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 हेलो। कितना हुआ? क्या रोहित साहब, आप मजाक तो नहीं कर रहे? आप कभी कभी तो आते हैं यहाँ पे। क्या
हाँ, आपके पिताजी की वजह से ही तो ये बूझ शुरू कर पाया हूँ। आप हमको भूल सकते हैं, हम आपको कैसे भूल सकते हैं। चलता बन जानी, लगता तेरी तस्वीर छप गई है। जीप में बैठ जाइए। फंस गया जानी। ये गाड़ी की चोरी का क्या मामला है? रहने दीजिए, चलता हूँ पुलिस स्टेशन, सब बताता हूँ। नहीं, इसके लिए आपको पुलिस स्टेशन आने की कोई जरूरत नहीं मिस्टर रोहित। ये रोहित का क्या चक्कर है? तुम जा सकते हो। जी साहब। मिस्टर रोहित बैठिए ना, मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। रहने दीजिए, गाड़ी चोरी नहीं हुई, बिगड़ गई रास्ते में। अच्छा, कोई बात नहीं, बैठिए ना, मैं आपके घर की तरफ ही जा रहा हूँ। बैठिए ना मिस्टर रोहित। बैठ जा जानी, शक्ल देखनी पड़ेगी आईने में, कहीं बदल तो नहीं गई। वर्मा स्टेट। नमस्ते छोटे मालिक। इंस्पेक्टर साहब नमस्ते। वर्मा साहब हैं? वर्मा साहब तो दिल्ली गए हैं साहब जी। अच्छा, इसीलिए शिवरात्रि में मंदिर में पूजा में नहीं आए हैं। खैर, अब तो आपको आना ही होगा, मैं चलता हूँ। बंगला अच्छा है जानी, इस घर में तू ही बादशाह है जब तक इक्के घर से बाहर है। साक्षी को फोन करते हैं। अरे ये तो बिल्कुल मेरी कॉपी का फेस है, इनकी गलतफहमी सही है जानी। और ये बुड्ढा बड़ा मालिक लगता है जानी, इससे पहले मैं फंस जाऊं निकल ले यहां से। अरे रोहित बेटा, अकेले ही आए हो बेटा, बड़े मालिक साथ नहीं आए? बड़े मालिक साथ होते तो मेरी ये हालत थोड़ी होती। आएंगे आएंगे। नमस्ते रोहित साहब। नमस्ते रोहित साहब। नमस्ते छोटे मालिक। नमस्ते छोटे मालिक। सत श्री अकाल रोहित बाजी, सत श्री अकाल। ये दो बार किस लिए? हमने सुजीता का प्रसाद चढ़ाया है ना, इसलिए आप दो दिखाई दे रहे हैं। पाजी भंगदा रंग लग गया है ना, आप पिएंगे भंग हमारे संग, रह जाएंगे आप दंग। We'll be right back.
हम का करते जी 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 जी। ओए तुमने बोला पी 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 पी, अरे हम का करते जी 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 जी। आ तुमने बोला पी 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 तो हमने पी ली, तो हमने पी ली, तो हमरा दोस्त नहीं कुछ भी, के हम का होश नहीं कुछ भी। हमरा दोस्त नहीं कुछ भी, के हम का होश नहीं कुछ भी।
रहे जानी, ये तो मेरे हमशक्ल का बुड्ढा बाप है, मैं अभी तक यही हूं। अशोक, प्रताप बोल रहा हूं। हाँ बोलो प्रताप। जितनी जल्दी हो सके मेरे घर पर आ जाओ। क्यों, क्या बात है प्रताप? वो यहां आने के बाद पता चलेगा। ठीक है, मैं अभी आया। इट्स अर्जेंट। लगता है अब इसके बेटे की एक्टिंग करनी पड़ेगी। गुड मॉर्निंग जानी। आई मीन पिताजी। गुड मॉर्निंग, क्या बात है, आज आप मेरे ही कमरे में सो गए? तो ये बुड्ढे का कमरा है। वो क्या है कि रात को आपकी याद बहुत आ रही थी तो आपके कमरे में आके लेट गया और आपके बारे में सोचते सोचते पता नहीं कब आग लग गई जानी। पिताजी। ये जानी, पिताजी ये क्या लगा रखा है? सॉरी डैड, आपकी हार्ट सुन के मैं वो झटके से उठ गया था ना, इसलिए। अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ता यहीं करोगे कि डाइनिंग टेबल पर मैं तुम्हारा इंतजार करूं? अरे आपके साथ डैड, आप चलिए डैड, मैं अभी तैयार हो के आया डैड। ये जानी किसी दिन पानी में डुबा देगा, इससे पहले मैं डूब जाऊं निकल ले यहां से। चलो मेरे साथ। जी नमस्ते डॉक्टर। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। ये नया जानवर कौन आ गया जानी? इसकी तो फोटो नहीं थी। ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई जो मुझे इस वक्त बुला लिया? अशोक बात ये, कहां जा रहे हैं रोहित? कहीं नहीं, मैं तो यही हूं। फंस गया जानी। हेलो, कैसे हो रोहित बेटे? मैं तो ठीक हूं। अरे आप खड़े क्यों, आइए ना नाश्ता कीजिए, आइए आइए। जानी जल्दी से खा ले और खिसक ले। आइए ना, आइए आइए। अकेले ही नाश्ता करोगे, अपनी पत्नी को नहीं बुलाओगे? पत्नी? शादी कब हुई? वो भी यहाँ है क्या? पत्नी पत्नी, लेकिन वो आई क्यों नहीं अभी तक? अरे क्या कहकर बुलाऊं, नाम भी तो नहीं जानता। डार्लिंग डार्लिंग, ऊपर जाकर उसे बुलाओगे तो आएगी ना। नई नवेली दुल्हन है, खुद थोड़े ही आएगी। कहां फंस गया? डार्लिंग, 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 अब अरे कमाल है, तुम अभी तक यहां बैठी हो? नीचे चलो, नीचे पिताजी आई मीन डैड नाश्ते पर हमारा इंतजार कर रहे हैं। नहीं करना मुझे नाश्ता, और ना ही तुमसे बात करनी है। बताओ कहाँ चले गए थे, मुझे बताया तक नहीं। कोई अपनी नई नवेली दुल्हन को इस तरह छोड़कर चला जाता है? मैं पत्नी हूँ तुम्हारी, तुम रात भर कहाँ गायब रहे? हाँ जानते हो कैसे बुरे बुरे ख्याल आते रहे मेरे मन में? एक ही रात ने मुझे कितना महमी बना दिया है, और तुम अब आए हो नाश्ते के बहाने मुझसे बात करने? मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी और मैं किसी से बात भी नहीं करूंगी, समझे? चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ यहां से, चले जाओ। जानी ये लोग ऐसे घूर रहे हैं, लगता बहुत मारेंगे। मुझे माफ कर दीजिए साहब जी, मैं कान पकड़ता हूँ, आपके पैर पड़ता हूँ, मुझे 100 जूते मार लीजिए, लेकिन मेरी गलती माफ कर दीजिए। मैं ना ही आपका बेटा हूँ, ना ही वो मेरी बीवी है, ना ही मैं उसका पति और ना ही मैं रोहित हूँ। मेरा नाम विकी है। मैं गलती से इस शहर में आ गया और गलती से यहाँ के लोगों ने मुझे रोहित रोहित बुलाना शुरू कर दिया, और उनकी गलतफहमी ने मुझे इस घर में पहुंचा दिया। आपका बेटा समझ कर सबने शिवरात्रि मनाई और मुझे खूब पिलाई, मैं आउट हो गया और यहीं सो गया, और जब नजरें खुली तो आप सामने थे। Thank you.
मेरा यहाँ आने का कोई इरादा नहीं था। आप विश्वास कीजिए, आप चाहे तो मेरी तलाशी ले सकते हैं। ये देख, अब मैं अपनी गलती की माफी मांगता हूँ। एक रात की मेहमान नवाजी का शुक्रिया। जयराम जी की जानी, अब मेरा मतलब डैडी जी, नहीं पिताजी, नहीं सेठ जी। ठहरो, मैं जानता हूं कि ना ही तुम मेरे बेटे हो और ना ही वो तुम्हारी पत्नी है। वो मेरे बेटे की पत्नी है जिसकी शक्ल हूबहू तुमसे मिलती है। मेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा, मर चुका है। इसे ही कुदरत का करिश्मा कहते हैं। परसों रात रोहित की मौत हुई और आज उसने उसके हमशक्ल को इस घर में भेज दिया। नेहा और रोहित कुछ दिनों पहले सेंट मैरी स्कूल के ओल्ड स्टूडेंट्स रियूनियन फंक्शन में बरसों बाद मिले। हाय, आई एम रोहित वर्मा, इस स्कूल का एक्स स्टूडेंट। आई एम सॉरी, शायद ये कहना बेहतर होगा कि इस गुरुकुल का, इस परिवार का ऐसा सदस्य जो 10 साल बाद घर लौटा है। 10 साल पहले जब हम यहाँ से गए थे तो स्कूल ने पार्टिंग गिफ्ट के तौर पर हमारी आंखों में कुछ सपने रख दिए थे। कुछ सपने तो सच हुए लेकिन कुछ सपनों ने अपनी शक्ल ही बदल दी। हम में से बहुतों की शादियाँ हो गईं, बहुतों के बच्चे हो गए, लेकिन कुछ लोग ऐसी कैटेगरी में भी आते हैं जिनका मामला noproposal.com पे अटका हुआ है। आप पूछेंगे कि मैं 10 साल तक यहां क्यों नहीं आया, उसकी वजह दरअसल एक लड़की है। वो मेरी क्लासमेट थी लेकिन हम एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते थे। सारा दिन लड़ना, झगड़ना, रूठना, मनाना। अगर मैं स्विमिंग पूल में कूदता तो मेरे कपड़े लेकर पेड़ पर चढ़ जाती। हम दोनों की नोटबुक्स एक दूसरे के कार्टून से भरी रहती। मिसेस डिसूजा डांट डांट के थक जाती लेकिन हम बाज नहीं आते। मैं उसे मेंढकी कहकर चिढ़ाता था और वो मुझे बैंगन कहकर सताती थी। उसके एक बर्थडे पर मैंने एक प्रेजेंट गिफ्ट रैप करके दिया। उसने थैंक यू कहते ही जैसे ही डब्बा खोला उसमें से एक मेंढक निकलकर उसके मुंह पे जा टकराया। वो चिल्लाई तो मैंने हंसते हुए कहा, मेंढकी योर बॉयफ्रेंड, किस तो करने दो। उसने डिब्बा जोर से मेरे मुंह पे मार दिया और रोते हुए कहा, मेरी किस्मत में यही चाहते हो तुम, यू आर नॉट माई बेस्ट फ्रेंड। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। वो तब तबाई आंखों से मेरी तरफ देखती रही, फिर नजरें झुकाई और भाग गई। वो हमारे स्कूल का आखिरी दिन था। मैंने 10 साल उन आंखों को भुलाने की कोशिश की। सोचा कि बचपन का प्यार था, शायद इंफैचुएशन। वो आंखें आज भी मेरा पीछा करती हैं। एंड इफ आई एम लकी, वो आंखें आज भी इस ऑडिटोरियम में कहीं ना कहीं से मुझे उसी तरह देख रही होंगी। सॉरी, मैंने आप लोगों को उसका नाम तो बताया नहीं। उस लड़की का नाम है नेहा। नेहा, नेहा, आज भी तुम्हारे लिए एक मेंढक लाया हूं। क्या करूं, बहुत बड़ा हो गया हूं तो बॉक्स में फिट नहीं आया। आई लव यू नेहा। मेरा दिल एक खाली कमरा।
रहने लगा मेरा दिल एक खाली कमरा कमरे में कोई रहने लगा ये सारा जमाना कहने लगा ओ ये सारा जमाना कहने लगा कमरे में कोई रहने लगा इस चोर को घर से निकालो मैंने कहा जोर लगा लो बचपन की कोई कहानी है या इसका नाम जवानी है ये हाल न जाने कब से है पहले से था या अब से है I've fallen in love. मुझे प्यार हो गया है क्या लड़की से प्यार हो गया तुझे मतलब मेंढकी को भी जुकाम हो गया Wrong, Dad. मुझे मेंढकी से प्यार हो गया है क्या और उसी से शादी करना चाहता हूँ अरे भाई लेकिन कौन मेंढकी वही जो मेरे स्कूल में पढ़ती थी अच्छा 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 जो तुझे बैंगन कहकर पुकारती थी वो है आरती मिल के मालिक रंजन शर्मा की जो बेटी है वो hey, you're right, Dad.
आपको दिल्ली जाके उसके माता पिता से मिलना होगा और उनसे मेरे लिए उनकी बेटी का हाथ मांगना होगा। वाह बेटा, यानी चोरी करे तू और थानेदार से मैं निपटू। डैड कौन है? मैं। निपटेगा कौन? मैं। गुड बॉय। शरारती है। ढोलक पे थाप जरा जोर से लगाओ, आ गई है नेहा जरा सुर में गाओ। अरे ठहरो ठहरो ठहरो, जरा थम तो जाओ, काहे की ये धूमधाम जरा मुझे तो बताओ। बंद रही है अनजान, तेरी खता नहीं है, ऐसे कह रही है जैसे कुछ पता नहीं है। ढोल बज रहा है, घर सज रहा है, जरा जल्दी बताओ मुझे चक्कर आ रहा है। नाटक करने की तू है आदि, 12 तारीख को तेरी है शादी। क्या तूने शादी की हाँ कर दी, इस बुढ़िया में जवानी भर दी। खुशी से उछल जाएगा दीदी तेरा जी, ऊपर जाके देख बैठे हैं जीजा जी। रोहित यहाँ? हाय। हाय। चक्कर खा गई ना? तुमने तो सोचा होगा सागर चला के ऑस्ट्रेलिया, जान छुटी, अब कभी वापस नहीं आएगा। वहाँ कोई गोरी मेम के साथ शादी कर वहीं सेटल हो जाएगा, लेकिन क्या करूँ, कोई गोरी मेम पसंद ही नहीं आई, इसलिए यहाँ गया, बैक टू पवेलियन। तुम्हारे मॉम डैड को मैं पसंद हूँ और मेरे मॉम डैड को तुम, वैसे भी हम दोनों तो एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसलिए शादी तय हो गई। मैंने सोचा कि अगर तुम ना करोगी तो मैं तुम्हें ज़बरदस्ती उठाकर मंदिर ले जाऊँगा और वहाँ तुमसे शादी करूँगा, और फिर मैं तुमसे इतना प्यार करूँगा कि तुम अपने आप को कोसोगी कि मैंने इसे पहले ना क्यों की। अरे टेंशन क्यों ले रही हो, अगर तुम इनकार करोगी तभी मंदिर में शादी करूंगा ना, वैसे मैंने शादी के सारे अरेंजमेंट कर लिए हैं। खाना ताज के किचन से होगा, गजल का प्रोग्राम अनूप झोलोटा का होगा, शनाई अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाह खान साहब सुनाएंगे, और तबला नवाजी के लिए मेरा जिगरी दोस्त जाकिर हुसैन आएगा। अरे ऐसा फन पेश करेगा कि जाकिर का जिक्र कई सालों तक चलता रहेगा। और अरे 3 बज गए, देखा तुम्हें इंप्रेस करने के चक्कर में मैं लेट हो गया ना। अरे मुझे कितने सारे अरेंजमेंट्स करने हैं, नेहा आई विल सी यू आफ्टरवर्ड्स, बाय। वर्मा साहब, मेरे पास सिर्फ इतना जवाब है कि आपने आने में देर कर दी, मैं अपनी बेटी का रिश्ता किसी और के साथ तय कर चुका। मेरे ख्याल से आप जल्दबाजी कर रहे हैं, कम से कम एक बार अपनी बेटी से पूछ तो लीजिए। मिस्टर वर्मा, शी इज माई डॉटर, दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन मेरी बेटी की शादी वहीं होगी जहां पर मैं चाहता हूं, सागर भारद्वाज के साथ। लेकिन मैं रोहित से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। लेकिन बेटा सागर से तो, मगर सागर सिर्फ मेरा एक अच्छा दोस्त है मामा, हमारी दोस्ती को रिश्ते में बदलने से पहले मुझसे पूछा तो होता। पूछा था? मेरे परम मित्र ने अपने बेटे और तुम्हारे दोस्त सागर से पूछा था और सागर इस रिश्ते के लिए खुशी से राजी हो गया है। इसे दोस्ती नहीं चाहत कहते हैं, और चाहत और शादी के बीच प्यार के लिए कोई जगह नहीं होती। मैंने तुम्हारे उस रोहित वर्मा के पिताजी को समझाया कि दोनों खानदानों के बीच में दरार डालने की कोशिश भी ना करें। पापा, मैं रोहित को बचपन से चाहती हूँ। कम ऑन नेहा, 12 तारीख को तुम्हारी शादी है, सारा घर तैयारी में जुटा हुआ है। जा बेटा अपने कमरे में जाओ, आराम करो। Yes, my darling. What can I do for you? मजाक छोड़ो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। नमस्ते साहब। चलो। कहाँ? सागर,
बेटे अचानक नेहा को कहाँ ले जा रहे हो? मंदिर। छोड़ो छोड़ो मुझे, इस वक्त मंदिर जाकर हम करेंगे क्या? शादी। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। जानता हूं। मैं रोहित से प्यार करती हूं। जानता हूं। तुम यूं जबरदस्ती मुझसे शादी नहीं कर सकते। जानता हूं। होश में हो सागर? आज ही तो होश में आया हूं। तुम समझते क्यों नहीं हो? तुम मेरे एक अच्छे दोस्त हो, मेरा प्यार नहीं। दोस्त तो बोल दिया मगर दोस्त को समझा नहीं। अच्छा दोस्त खुशियां देता है, चिंता नहीं। वो देखो चक्कर खा गई ना सागर। मैं चक्कर तो रोहित भी खा गया था जब मैंने उसे फोन किया और यहाँ बुलाया। Hey, you're great, सागर। मुहूर्त का वक्त जा रहा है और इससे पहले कि मैं अपना इरादा बदलू ना, तुम लोग जल्दी से अंदर जाओ, शादी कर लो। ताज का खाना कैंसल, सॉरी बिस्मिल्ला खान साहब, प्रोग्राम कैंसल है क्योंकि शहनाई इनके दिल में पहले से ही बज रही है और इस तरह से बज रही है कि जाकिर हुसैन साहब अगर आप यहाँ होते तो आपके तबले के साथ इनकी जुगलबंदी शुरू हो जाती। And sorry to say, जीत इन्हीं की होती। खुश रहो, जीते रहो, सदा सुहागन रहो। हेलो। हेलो मामा, मैं नेहा। बोलो बेटा क्या बात है? मैं और रोहित हम दोनों ने शादी कर ली। ये क्या कह रही तू? हाँ माँ, मैंने सागर को सब कुछ बता दिया था। सागर को सब कुछ बता दिया था? क्या बता दिया था? यही कि मैं और रोहित एक दूसरे से प्यार करते हैं और मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, और सागर ने हमारी शादी करवा दी। बस आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। हम लोग वहाँ आना चाहते हैं मामा, आप प्लीज पापा को समझाइए ना, हम लोग वहाँ आकर आपका आशीर्वाद। अब इस घर में कदम रखने की भी जरूरत नहीं है नेहा। आरती फोन रख दो। पापा प्लीज। आरती फोन रख दो। पापा प्लीज, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे दुल्हन के रूप में देखें। आपका आशीर्वाद मिल जाए तो दुख थोड़ा हल्का हो जाएगा कि आपकी गैर मौजूदगी में आपकी बेटी की मांग में सिंदूर। तुम्हारी मांग में सिंदूर हो या उजड़ जाए, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम हमारे लिए मर चुकी हो। थैंक्स पापा, आपने मुझे सुहागन ही मार दिया, मेरे लिए यही आपका आशीर्वाद है। आज से नेहा बेटी है मेरी, इसे इतनी खुशी दे कि इसे कभी अपने मायके की याद भी ना आए। Hey, love you, Dad. लो, इंटरकॉन्टिनेंटल होटल आ गया, मैं अपने हनीमून की टिकट्स लेके आता। रोहित, हम लोग हनीमून के लिए बाद में नहीं जा सकते, मैं पहले अपना घर देखना चाहती हूँ। यू मीन हम हनीमून घर में मनाए और डैड को जनीवा भेज दें? आइडिया बुरा नहीं है, सोच कर देखते हैं। अगर मैं जल्दी आ गया तो हम जा रहे हैं, अगर देर लगी तो समझ लेना टिकट कैंसिल करा रहा हूं।
ये लीजिए मिस्टर वर्मा, आपके दिल्ली जिनेवा रिटर्न के दो टिकट्स। थैंक यू। बॉन वॉयज, हैप्पी जर्नी। थैंक यू, आई अप्रिशिएट इट। हेलो रोहित बेटे, कहाँ है तू? हाँ डैड, अभी अभी टिकट्स कलेक्ट किए। अच्छा, मैंने अपने ज्वेलर को फोन करके एक नेकलेस का ऑर्डर प्लेस किया है, उसे स्विट्जरलैंड भिजवा दीजिएगा, लेकिन वैलेंटाइन से पहले। बड़ा कमाल का बेटा है तू। अरे बीवी की खुशामद करेगा तू और उसके लिए मुझसे काम लेगा? बेटी किसकी है? कहाँ ले आए मुझे? मेरा दम घुट रहा है। आप रो रहे हैं क्यों? आपको तो खुश होना चाहिए डैडी जी, हमारा हनीमून कैंसिल हो गया है, अब हम घर जाएंगे। मगर रोहित कहाँ है? रोहित यहाँ है। क्या यहाँ? वो तो घर पर हमारा इंतजार कर रहा होगा। चलिए ना। ये देखो रोहित, ये मर चुका है। ये रोहित नहीं है। रोहित कैसे मर सकता है? आज ही तो हमारी शादी हुई है और आज ही। छी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? नेहा, तुम रोहित, नेहा होश में आओ, होश में आओ नेहा। होश में तो आप नहीं है डैडी जी, चलिए ना यहां से। रोहित मर चुका है। कैसे कैसे मर सकता है वो? उसने जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया है मुझसे, और वो वादा तोड़ने वालों में से नहीं है। मैं उसे बचपन से जानती हूं। ये रोहित नहीं है, ये रोहित नहीं है। नेहा, देखो ये रोहित की लाश, देखो मेरा बेटा और तुम्हारा पति मर चुका है, तुम विधवा हो चुकी हो। झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं। वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता, ये मेरा रोहित नहीं हो सकता। आप झूठ बोल रहे हैं, अब झूठ बोल रहे हैं। नेहा, रोहित मर गया है। मेरा रोहित मर चुका है। नहीं, रोहित नहीं मर सकता, वो जिंदा है, वो जिंदा है, वो जिंदा है, वो जिंदा है। There's no injury in the brain nerves, right doctor? Yes sir. Dr. Malik? Yes. दिमाग में तो कोई अंदरूनी चोट नहीं है, लेकिन ये पागलों जैसी हरकतें, सच्चाई को ना मानना, ये सब क्या है? This is partial amnesia. उसके दिमाग का वो हिस्सा जिसमें एक्सीडेंट की याददाश्त है वो मिट गया है, या कहिए कि थम गया है। She is in a state of denial. लेकिन इसे पागलपन नहीं कहा जा सकता। मिस्टर वर्मा, आप अपनी बहू को घर ले जा सकते हैं, लेकिन ख्याल रखिएगा उसे कोई जज्बाती चोट ना पहुंचे, वरना वो वाकई पागल हो सकती है पूरी तरह से। बस एक हादसा हुआ और मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। मेरा बेटा चला गया और मेरी बहू विधवा हो गई। वो बेचारी अपने पति की मौत से बेखबर है। अब यहां अगर तुम्हारी थोड़ी सी मदद मिल जाए तो मेरी बहू का दिमाग का संतुलन ठीक हो सकता है।
और मैं उसे किसी की दुल्हन बनाकर इस घर से विदा कर सकूं। और ये तब हो सकता है जब तुम रोहित बनकर सही वक्त में सही हालात में उसके सामने मरने की एक्टिंग करो या कोई एक्सीडेंट करके दिखाओ, ताकि नेहा को यकीन हो जाए कि रोहित वाकई मर चुका है। याददाश्त के उस हिस्से को जागृत करने के लिए, उसे फिर से वही सदमा देने के लिए तुम्हें। समझ गया, पर यह नाटक करने का मुझे क्या मिलेगा? क्या चाहते हो? तीस लाख रुपए लूंगा जान। मैं तुम्हें 40 लाख दूंगा। ये कहने की जरूरत नहीं है कि ये काम करते हुए तुम्हें अपनी सीमा में रहना होगा, और तुम नेहा की गलतफहमी का फायदा नहीं उठाओगे। हमारा तुम पर जो विश्वास है उसे ना तोड़ने के लिए और काम पूरा करने के लिए इतनी बड़ी रकम तुम्हें दी जा रही है। 10 लाख रुपया एडवांस, ये लो। जाने लगता है मैंने बहुत कम मांग लिया, अगर 50 लाख भी मांगता तो भुट्टा मुझे दे देता। सुना है विकी का अंतिम संस्कार किसी भले आदमी ने किया। इस तरह आंसू बहाती रहेगी तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी बेटी। मरने वालों के पीछे मरा नहीं जाता बेटी, तेरे सामने लंबी जिंदगी पड़ी है, हो सके तो उसे भूल जा। नहीं भूल सकती तो इसे पहन ले। कह दूंगी अड़ोस पड़ोस वालों से कि इस घर में कुंवारी विधवा रहती है। 2 दिन में पति को भूल जाते हैं और तू यार को नहीं भूल सकती। और तुम सुन लो, घर का किराया अभी बाकी है, कुछ बंदोबस्त कर दो, नहीं तो मैं दूसरा बंदोबस्त कर दूंगी तुम्हारी इस लाडली भांजी का। Good morning. It's 7 a.m. Happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day. Good morning. It's 7 a.m. Happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day. करे सॉरी लक लॉटरी है। नहीं नहीं लगी नहीं। कल वाली हरकत के लिए सॉरी। कल की क्या? कल तुम्हारे मुंह पर जो दरवाजा बंद कर दिया था मैंने, उसके लिए सॉरी। ओके बताओ आज क्या दिन है? आज तुम्हारा इस घर में, मेरा मतलब है कि मेरे घर में दूसरा दिन है। अरे नहीं बैंगन, आज वैलेंटाइंस डे है। अच्छा, आज के दिन रूठे हुए पति को मनाने के लिए पत्नी की तरफ से हैप्पी वैलेंटाइंस डे। पता है तुम मुझे हैप्पी वैलेंटाइन कैसे विश करोगे? ये वापस देकर। मेरी मांग में सिंदूर भरकर। भरिए ना। मैं कैसे भरूं? क्यों क्यों नहीं भर सकते? वो
मैं बताता हूँ, क्योंकि इसने अभी तक नहाया नहीं है ना। डैडी जी। चलो बेटे जल्दी करो और नहा लो। खुश रहो बेटे। सिर्फ खुश रहो। चलिए सर पर हाथ रखिए और कहिए, जीती रहो, सदा सुहागन रहो। फंस गया बड्डा। जल्दी कीजिए ना डैडी जी, मुझे बहुत काम है। आज वैलेंटाइंस डे है। ओहो हो हो, आज वैलेंटाइंस डे है जी। फिर तो आज मेरी बेटी को शॉपिंग करनी होगी। एक काम करते हैं, मैं फोन करके जोहरी को यहीं बुला लेता हूँ, जो तोहफा पसंद आए। गुड आइडिया, मगर जोहरी अपनी पूरी दुकान यहाँ लाने से रहा। ऐसा करते हैं, हम खुद ही जोहरी की दुकान पर चले जाते हैं, क्यों रोहित? चलो। रोहित ये कैसा है? ठीक है। इसका क्या दाम है? 2 लाख रुपए। बुड्ढे 10 लाख रुपए ज्यादा दिए तो इस तरह वसूल करेगा? हाँ ये बिल्कुल सही है, क्यों रोहित? अरे रोहित बाबू, आप यहाँ आ गए? आपने तो दिल्ली से फोन करके कहा था कि वो नया सेट आज वैलेंटाइन के दिन आपको स्विट्जरलैंड में चाहिए, और उसका पता आप देने वाले थे। मैं तो आपके फोन का इंतजार कर रहा था। खैर शादी मुबारक हो। आपका सेट तैयार है। पूरा सेट इतना खूब बना है कि क्या बताऊं। रोहित बाबू आपने ऑर्डर देते वक्त कहा था ना कि आपकी होने वाली पत्नी जितनी खूबसूरत होगी उतना ही खूबसूरत सेट बनना चाहिए, और बिल्कुल वैसा ही हुआ है। तुमने अपने होने वाली पत्नी के लिए पहले से ही वैलेंटाइन गिफ्ट बनवा लिया और मुझे बताया तक नहीं। कैसे हस्बैंड हो तुम? अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं, राइट? रोहित बाबू अब कितने का फटका लगने वाला है? ये देखिए 80 लाख का सेट है। आपने जितना पेमेंट किया था उसमें काम पूरा हो गया। हो गया? हाँ। अरे आप तो इतने अच्छे आदमी, कहाँ थे आप इतनी देर से? नमस्ते। नमस्ते। वाओ, इट्स ब्यूटीफुल। इससे अच्छा गिफ्ट और क्या हो सकता है? आई लव यू रोहित। And I love these diamonds. अरे रोहित एक मिनट, एक मिनट, वो नेकलेस तो दो। थैंक यू। कैसे हो रोहित? और तुम कैसी हो नेहा बेटी? मैं ठीक हूँ, आप कौन हैं? अरे बेटी मुझे नहीं पहचाना? मैं अशोक, डॉक्टर अशोक मलिक। डैडी जी। हाँ बेटे। आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? ठीक है। हाँ क्या हो गया? नहीं नहीं बेटा, इनकी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, मैं तो इनका फ्रेंड हूँ। अच्छा अच्छा। डैडी जी ये देखिए, रोहित ने मेरे लिए गिफ्ट खरीदा है। पता है रोहित ने शादी से पहले ही ऑर्डर दे रखा था। तोहफा अच्छा है। अच्छा क्या है बुड्ढे, बहुत अच्छा है, 80 लाख का। रोहित तुम बदल गए हो आजकल, तुम अपने आप से क्या बातें करते रहते हो? वो मैं, ये मेरी बचपन की आदत है। कहाँ बचपन से तुम? बचपन की नहीं, इसकी जवानी की आदत है। अब इसे तुम ठीक कर देना। गुड नाइट डॉक्टर अंकल। गुड नाइट। गुड नाइट डैडी जी। गुड नाइट बेटे। सुनो ये नींद की गोलियां हैं, सिर्फ एक गोली, सिर्फ एक गोली किसी चीज में डालकर नेहा को पिला देना, बहुत स्ट्रांग है।
गुजर हम करें कैसे सबर, या तो हमको प्यार कर या हमें दे दे जहर। रात ना जाए गुजर हम करें कैसे सबर, या तो हमको प्यार कर या हमें दे दे जहर। ओ रात ना जाए गुजर हम करें कैसे सबर, या तो हमको सोचता है क्या बुझाने जा, यहां से निकल ले जाने।
प्रताप, प्रताप। नेहा अभी भी सो रही है अशोक। जब जागेगी तो उस चोर विकी के बारे में पूछेगी तो क्या जवाब दूंगा मैं? उसे नींद का इंजेक्शन दे दो ताकि वो सोती ही रहे। एक बात बताओ, आखिर कब तक और कितने दिनों तक उसे दवाइयां और इंजेक्शन देकर सुलाते रहोगे? प्रताप, ये दवाइयां बड़ी स्ट्रांग होती हैं, उसकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। अशोक, प्रताप मेरी मानो तो नेहा को एसएलएम में भर्ती कर दो। नहीं अशोक, नहीं। चाहे मुझे हजार तकलीफें क्यों ना सहनी पड़े, मैं सह लूंगा, लेकिन अपनी बहू को पागल खाने हरगिज नहीं भेजूंगा। मैंने अपना बेटा खोया है, अब बेटी जैसी बहू को मैं खोना नहीं चाहता हूं। प्रताप, अरे उसका पागलपन संभालते संभालते एक दिन तुम खुद पागल हो जाओगे। परवाह नहीं, अपने बेटे के लिए पागल होना मुझे मंजूर है, लेकिन उसका पागल खाने जाना मुझे मंजूर नहीं है। फिर तुम्हारे पास उसके गमों का इलाज नहीं है तो ना से, लेकिन वो है ना सारे संसार का डॉक्टर, वो मेरी बेटी के दुखों का इलाज करेगा। उसके पास हर गम का इलाज है और मेरा उस पर विश्वास है, अटल विश्वास है। हे माई मेरी सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय, ऊंचे मंदिरों वाली माता तेरी सदा ही जय। हे माई मेरी सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। साक्षी, लव यू वन, लव यू टू, लव यू थ्री। हे साक्षी, साक्षी, विकी, जानी 80 लाख का हार हाथ लगा है। सच? किसी और शहर जाएंगे, शादी करेंगे, घर बसाएंगे। लेकिन नेहा का क्या होगा? जो होगा बुड्ढा देखेगा, और मैं ही मिला था उसकी बहू का इलाज करने के लिए। उसके बेटे की शक्ल मुझसे मिलती है तो इसमें मेरी क्या गलती, वो जाने उसकी किस्मत। विकी, we'll be right back.
नेहा के पति की मौत को देख के मैं एक कुंवारी विधवा हो गई थी, और तुम्हें अपने पति के रूप में देख के वो विधवा अपने आप को सुहागन मानने लगी है विकी। मैं वापस जाऊंगा। हाँ साक्षी, वापस जाऊंगा, सिर्फ अपनी जान की कीमत अदा करने, कर चुकाने। I love you, Vicky. I'm so proud of you. I love you forever. तुम्हें जिंदा पाने के लिए, तुम्हारे वापस जाने के फैसले के लिए, तुम्हारी कामयाबी के लिए, तुम्हारा हमेशा साथ देने के लिए। अरे बेटी कहाँ चली गई थी? हम लोग यहाँ तेरी शादी की बात कर रहे हैं। शादी? हाँ बेटी, विकी तो इस दुनिया से चला गया, लेकिन तू तो जिंदा है, जवान है, तेरे आगे सारी जिंदगी पड़ी है। कब तक बेसहारे बिना मर्द के जिंदगी गुजारेगी तू? मैं तो कहती हूँ जल्दी से तुझे शादी कर लेनी चाहिए। क्यों जी? बोल, कल सेरा बांध के बारात लेके आ जाऊं? रंजीत जी, मेरी बेटी अभी अभी एक बड़े सदमे से गुजरी है। देख लड़की, रंजीते से तेरा विवाह हो जाए ना तो समझ लेना कि विक्की का तेरवा हो गया। जितनी जल्दी तू रंजीते से विवाह करेगी उतनी जल्दी विक्की की आत्मा को शांति मिलेगी। हफ्ता दस दिन सोग मना ले, लेकिन उसके बाद राजी हो जा। हम बड़ी इज्जत के साथ बैंड बाजा लेकर तुझे ब्याह ले जाएंगे, लेकिन अगर इसके बाद भी तूने अनाकानी की ना तो हम उठा ले जाएंगे। समझ गई ना मैं क्या कह रहा हूं? वाह मौसी, क्या बढ़िया खाना बनाया है। डैडी जी आप भी आइए ना खाना खाने। क्या हो गया आपको? देखिए जब बेटे की शादी हो जाती है ना तो अपनी पत्नी को बताकर कहीं भी जाता है, माँ बाप को नहीं। और रोहित मुझे बताकर गया है। क्या बताया उसने? मैंने नहीं सुना, मैं सो रही थी ना। और डॉक्टर अंकल, आप डैडी जी के दोस्त हैं, डॉक्टर हैं, अगर आप ही परेशान होने लगे तो डैडी जी क्या करेंगे? पता है बचपन में एक बार रोहित मेरे हाथ से नोटबुक छीन कर भाग गया था और कहीं जाकर छुप गया। उसे लगा कि मैं उसे ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो जाऊंगी, मगर मैंने उसे ढूंढा ही नहीं। पूछे क्यों? पूछे क्योंकि वो नोटबुक मेरी थी नहीं, वो तो उसी की थी। बेचारा दिन भर छत पर छुपा रहा। और शाम को जब नोटबुक लेकर आया तो मैंने कहा अरे ये तो मेरी है ही नहीं, ये तो तुम्हारी है। तो उसका चेहरा देखकर मुझे इतनी हंसी आई। इतनी हंसी कि मैं जिंदगी भर इतना नहीं हंसी हूँ। Oh,
में चले गए थे हम सबको छोड़कर। पता है डैडी जी को कितनी चिंता हो रही थी। मुझे ना सही, उन्हें तो बताकर जाते कि तुम कहाँ जा रहे हो। तुम नहीं होते हो तो मेरे मन में कैसे कैसे बुरे ख्याल आने लगते हैं। अगर डैडी जी के सामने मैं कमजोर पड़ जाती तो उन पर क्या गुजरती, कभी सोचा है तुमने? मैं बेटी हूं उनकी, उन्हें मेरी परवाह है, मगर तुम्हें तो मेरी जरा भी परवाह नहीं। क्या यही तुम्हारा प्यार है? वादा करो कि तुम आइंदा कभी ऐसा नहीं करोगे, बिना बोले कहीं नहीं जाओगे। मैं कसम खाता हूं अब आज के बाद कहीं नहीं जाऊंगा तुम्हें छोड़कर, इस घर को छोड़कर। मेरी बेटी के सिर पर हाथ रखकर झूठी कसम खाने की हिम्मत कैसे की तूने? उसको जेवरा चुरा कर यहां से भाग गया था ना तू, तो फिर वापस क्यों आया और क्या ले जाना चाहता है यहां से? निकल जाए यहां से, इससे पहले कि मैं तुझे बद्दुआ दूं। यहां से निकल जाओ, जस्ट गेट आउट। बद्दुआ क्या? आप मेरी जान ले लीजिए, क्योंकि मैं ही आपके बेटे की मौत का जिम्मेदार हूं। आपके बेटे की मौत एक्सीडेंट नहीं थी, उसे मार दिया गया था विक्की समझकर। मैं वापस आया हूं क्योंकि आपके बेटे का कर्ज है मुझ पर। मुझे एक मौका और दीजिए बाबूजी, नेहा ठीक हो जाएगी। मैं आपके हाथ जोड़ता हूं बाबूजी, आपकी बहू की खातिर, आपके मरे हुए बेटे की खातिर। नेहा, नेहा! पापा, रोहित, डैडी जी। क्या है बेटी? मौसी जी, मेरे पापा आ गए। अच्छा, मेरे पापा आ गए। नेहा, सॉरी बेटी, अपने इस कम अकल बाप को माफ कर देना। इतना भी नहीं समझा कि माँ बाप की सबसे बड़ी खुशी अपनी औलाद को खुश रखने में होती है। नमस्ते शर्मा साहब। वर्मा साहब, मैं अपने उस दिन के बेहुदा सुलूक के लिए बहुत शर्मिंदा हूं। बहुत बेइज्जती की मैंने आपकी, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। अरे शर्मा साहब, जो हुआ सो हुआ, आप उसको भूल जाइए। शुक्रिया। नेहा बेटी जी, अपने पापा को अपना घर नहीं दिखाओगी? बाय द वे, आई एम डॉक्टर अशोक। मैं और प्रताप गहरे दोस्त हैं। नाइस मीटिंग यू। आइए पापा, मैं आपको अपना घर दिखाती हूं। वर्मा साहब, आप किस खुशी में मुस्कुरा रहे? खुश होने की तो बात है, बाप और बेटी दोबारा मिल गए। हाँ, अब तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म। देखो, तकदीर से आज बहुत अच्छा मौका आता है। उसके बाप को सब कुछ बता दो कि तुम्हारा बेटा मर चुका है।
नेहा विधवा हो चुकी है, वो उसे यहां से ले जाए, उसका जो भी इलाज करना होगा वो करेंगे। सोच क्या रहे हो, कब तक इस चोर के सहारे रहोगे? जाओ जाकर कह दो उनसे, जान छूटेगी। पापा ये हमारी मौसी जी हैं। नमस्ते। रोहित इन्हीं के गोद में पलकर बड़ा हुआ है। नमस्ते। नहीं साहब, हम तो नौकर हैं, ये तो इनका बड़प्पन है जो हमें मौसी कहती है। शर्मा जी, भाई साहब आपसे एक विनती है। जी मुझसे? जी आपसे, अगर आप आज्ञा दें तो कुछ दिनों के लिए मैं अपनी बेटी को घर ले जाना चाहता हूं। जब से नेहा घर से गई है इसकी मां की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। अब मैं रोहित के साथ मामा को मिलने जा सकती हूँ डैडी जी? बेटे वो शर्मा जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। फरमाइए जी। वो बोलिए ना, क्या बात है? दरअसल बात ये है कि शर्मा साहब, नेहा वो नहीं रही जो आप समझते हैं, वो अब सिर्फ आपकी ही नहीं बल्कि मेरी भी बेटी बन चुकी है। उसके एक दिन यहां ना रहने से ये सारा घर सुना हो जाएगा, इसलिए जितनी हो सके उतनी जल्दी इसे आप वापस भिजवाइए। ये मेरी आपसे दरख्वास्त है। बेटी जल्दी लौट आना। अच्छा शर्मा साहब। नमस्ते। अरे रोहित चलो ना। चलो ना। मेरी बेटी का ख्याल रखना। देखो तो मेरी बेटी कैसी लगती है शादी के बाद। तू चली गई थी तो दिल बैठ गया था, बाप ने डांट दिया तो मां से भी रिश्ता तोड़ दिया। आरती भाई, दामाद दरवाजे पे आके खड़ा हुआ है और तुम बेटी से लिपटी हुई हो, आओ जरा इनसे भी मिलो। मेरी बेटी ने मेरे लिए हीरे जैसा दामाद चुना है। अरे नेहा बेटी। दादी दादी कैसी है तू दादी? अच्छी हूँ, चल फिर सकती हूँ, चाहे बुढ़ापे ने ये लाठी ला दी। मिलिए मेरे रोहित से जिसे की है मैंने शादी। शादी तो तूने की है अपने प्यार से। आ बेटा, तेरा रिश्ता जुड़ गया है इस परिवार से। मैं हूँ अविनाश, पैदा हुआ हूँ इनके बाद, हो गए हो हक से तुम मेरे भी दामाद। सुनो सुनो, मैं हूँ नेहा की चाची, बड़ा है करण छोटी है प्राची। ए नेहा ले ले मेरी दुआ, आखिर मैं हूँ तेरी बुआ। कहो बेटा रोहित, कैसे किया नेहा को मोहित? सबसे बातें करके अपना वक्त बर्बाद करोगे, मैं हूँ एक लौती साली, मुझसे कब बात करोगे? ए चुटकी, यही खड़ी रहकर करोगी बातें सारी? अब कहने की है मेरी बारी, मैं हूँ आपका सेवक मुरारी, जल्दी से खा लो भजिया कचोरी करारी करारी। बीजी आज शाम करो जश्न की तैयारी,
मिले हमारे दामाद से बिरादरी सारी। अरे हुई है शादी बेटी की हमारी। नाचेंगे गाएंगे करेंगे बल्ले बल्ले, आज की रात चले हल्ले हल्ले। हल्ले हल्ले जरा हल्ले हल्ले, हल्ले हल्ले जरा हल्ले हल्ले। हल्ले 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 जरा हल्ले हल्ले कम ऑन। वैसे बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई है। और क्या हाल है सागर, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहे। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं, जिसके साथ तुम्हें मैंने भेजा था क्या उसी को अपने साथ लाई हो या किसी और को? हाँ बिल्कुल, मुझे भी कभी कभी लगता है कि ये वो रोहित नहीं है जिसे मैंने प्यार किया था। वो तो कभी कभी मुझसे लड़ता था, शादी के बाद तो ये मुझसे लड़ता झगड़ता ही नहीं है। मतलब बावला हो गया? जरूर आप लोग मेरी बुराई कर रहे होंगे।
हाँ, ये कह रही है कि तुम बावले हो गए हो। बावला? बावला मतलब मैड ना? बावली तो मैं हो गई हूँ, क्या करूं, ये है ही ऐसे। एक बात बताओ, तुमने कोई लड़की पसंद किया नहीं? अब तो मैंने मैरिज ब्यूरो खोल लिया है, किसी को किसी से प्यार हो और उसके बीच में कोई दीवार हो ना, तो उसे तोड़ने का काम मैं करता हूँ। शादी तो नहीं की, लेकिन दोस्तों की शादियों पे नाचता हूँ, जैसे कि आज। वैसे कभी काम पड़े तो बुला लेना, गुजरा वक्त नहीं हूँ कि आना सकूं। ये क्या नेहा, ये आना भी कोई आना हुआ, एक आधे दिन और रुक जाएगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा? बेटे तुम ही कहो ना कुछ उसे। ये क्यों कहेंगे, इनको तो यहाँ रुकने में कोई एतराज नहीं है, इनको डैडी जी की चिंता थोड़ी है, वो तो वहाँ बिल्कुल अकेले हैं, उनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। और अपने हल्ले गुल्ले में हम ये बात भूल ही गए, हम तो अभी जाएंगे बस। इतनी जल्दी अब मत जाओ, बहुत हंसाया अब ना रुलाओ। कब तक रुकोगे, कितना रुक पाऊंगी, एक दिन तो बच्चों ससुराल ही जाऊंगी। अब ना चलेगा जोर तुम्हारा, हम है पूरे 11 के 11। ये बच्चे हैं, इनकी जिद सही है, तू भी बच्चों के साथ बच्ची बन रही है। टिकी हुई है हम सब की निगाहें, बंद कर देंगे सारी राहें। चाचा जी आप बड़े हैं, हैं समझदार, बेटी का ससुराल ही है उसका संसार, रस्मो रिवाज निभाती रहूंगी, अब तो जाने दीजिए, आती रहूंगी। जीती रहो बेटी, क्या बात कही है, ससुराल ही संसार है, ये बात सही है। मैं माँ हूँ, दादी हूँ, इस घर की बड़ी हूँ, तेरा ससुराल मोह देखकर रो पड़ी हूँ। मेरी नसीहत का ध्यान रखना, ये दामाद नहीं बेटा है, इसका ख्याल रखना। अजब है ये तकदीर का लेखा, माँ ऐसी होती है, आज पहली बार है देखा। गाड़ी में बैठो, ड्राइवर मैकेनिक लाता ही होगा, वैसे भी धूप बहुत तेज है। तो क्या हुआ? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा गोरा रंग झुलस जाएगा। कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हारे रंग में रंग जाना चाहती हूँ। डैड इंतजार कर रहे होंगे, टैक्सी पकड़ लेते हैं। यहाँ कहाँ टैक्सी आएगी, लिफ्ट तो मिली जाएगी। कौन लिफ्ट देगा, तुम जो साथ हो, अगर मैं अकेली होती तो शायद चांस था। ठीक है मैं छुप जाता हूँ, तुम कोशिश कर लो। लो गाड़ी आ रही है। अरे छोकरी, वो भी अकेली और लिफ्ट मांग रही है, अरे भेड़ा मैं किधर सपना तो नहीं देख रहा हूँ, वाइपर ऑन करता हूँ। हमें मनाली जाना है, लिफ्ट मिलेगी? अरे मनाली क्या, तुम बोलेगा तो हम तुमको दिल्ली पहुँचा देगा, आओ गाड़ी में बैठो, गाड़ी में बैठो। मर गया जानी, ये कार्टून कहाँ से टपक पड़ा? अरे हाँ। आपका गाड़ी खराब भी नहीं हुआ होगा ना, तो भी हम आपको पहुंचा देगा, आओ बैठो ना प्लीज बैठो। वो आपकी गाड़ी तो नहीं खराब हो जाएगी ना? अरे हमारा गाड़ी खराब हो जाएगा तो हम हमारा गाड़ी को धक्का मार के आपको जिधर जाना उधर पहुंचाएगा, आओ बैठो बैठो। वो कहना मैं अकेली नहीं हूँ। दो, अरे दो तो है, अरे दूसरी किधर है, दूसरी किधर है? मेरा मतलब है सामान, सामान है मेरे पास, मैं अभी लाती हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, आप काहे को तकलीफ लेता है, आप गाड़ी में बैठो ना, हमारे होते हुए आप सामान लेने को जाएंगे। नहीं मैं लेकर आती हूँ। अरे नहीं प्लीज, आप गाड़ी में बैठो, आप गाड़ी में बैठो। अच्छा। हम जाके सामान लेके आता है, वैसे हमारा नाम है KBC। KBC? किशनचंद भगवान दास चेलड़वानी। वैसे आपके पास चार ऑप्शन है, किशन भग्गू चंदू चेलू, जो जी में आए बोलना है, सोचो तब तक हम सामान जाके लेकर आता है। किशन भग्गू चंदू चेलू, किशन भग्गू चंदू चेलू, किशन भग्गू चंदू चेलू, किशन चंदू भग्गू, किशन भग। सामान हारा।
अरे सामान उधर नहीं, इधर है। अरे चढ़िया, ए चढ़िया, रुक जा, मैं कहता हूँ रुक जा। अरे गाड़ी लेकर जानी है तो जा, लेकिन छोकरी को तो इधर रख के जा। ए लोफर, ए चिड़कुट, रोमियो। डैडी जी। मेरी बेटी। हाय रोहित। साक्षी याद है कि भूल गए? हाँ, ऑफ कोर्स। मैंने आपको पहचाना नहीं। लेकिन मैंने आपको पहचान लिया, नेहा, मिसेस रोहित वर्मा। अरे आप मेरा नाम कैसे जानती हैं? इसलिए क्योंकि अंकल आप ही की तारीफ कर रहे थे। आप रोहित की स्कूल की फ्रेंड है, मैं उसकी कॉलेज की। एक्चुअली मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आई हूँ, उसे शहर में कोई जरूरी काम था और मैं उसे सरप्राइज देने चली आई। वाओ, दैट्स एक्साइटिंग। इसे कहते हैं बहादुर लड़की। आप रोहित की फ्रेंड है ना, आज से आप मेरी भी फ्रेंड हो गई। थैंक यू। मौसी जी, रामदीन से कहकर इनका सामान गेस्ट रूम में पहुंचा देना। नहीं नहीं प्लीज, थैंक यू, मैं शहर में ही रहूंगी। वैसे भी यहाँ रह के मैं रोज रोज अपने बॉयफ्रेंड से मिलने शहर तो नहीं जा सकती ना। रोहित बेटा, अपने दोस्त को हमारे गेस्ट हाउस तक पहुंचा दो। जी। ओके नेहा जी, सी यू लेटर, बाय बाय। सुनो, अपने बॉयफ्रेंड के मिलने की खुशी में इस नए दोस्त को नहीं भूल जाना। ऑफ कोर्स नॉट। तुम यहाँ रुको। जी सर। मैं तुम्हें क्या बताऊं विकी, मुझ पे वहां क्या बीत रही थी। भंवरलाल और रंजीत के सुन बढ़ते जा रहे थे, हर दूसरे दिन आके शादी की जिद करने लगे और फिर धमकियों पे उतर आए और आखिरी दिन तो बैंड बाजा लेके आ गए। मैं वहां से कैसे भागी हूं मेरा दिल ही जानता है। मुझे उन लोगों से बहुत डर लगता है विकी। नहीं साक्षी, यहां तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरा यकीन करो। कम ऑन विकी, लेट्स गेट मैरिड। चलो हम शादी कर लेते हैं। आई लव यू, आई मिस्ड यू। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। तुम कुछ भूल रहे हो विकी। मुझे मेरा मकसद याद दिलाने के लिए। साक्षी का बॉयफ्रेंड मिल गया? मिल जाएगा। मिल जाएगा, मिल जाएगा। ओ, तो आप देख रहे हैं, क्यों झांक रहे हैं आप? शर्म नहीं आती? नेहा, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। नहीं 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 नहीं, कहानी नहीं प्लीज,
आज मैं तुम्हें जी भर के प्यार करना चाहती हूँ। ये कहानी भी प्यार की कहानी है, सुन तो लो। अच्छा बाबा सुनती हूँ, मगर तुम्हारे कंधे पर सर रख कर। एक चोर था, विकी उसका नाम था। चोर? ये प्यार की कहानी में चोर कहाँ से आ गया? सुन तो लो, उसकी एक प्रेमिका थी जिसे वो बहुत प्यार करता था। अरे वाह, चोर प्यार भी करता है? चोर भी प्यार करते हैं, उनके सीने में भी दिल होता है। उन दोनों का एक ही सपना था, अपना घर संसार बसाने का। जानती उन्हें आप, एक दिन उनका यह सपना हकीकत में बदल गया और वो हकीकत ही उनकी दुश्मन बन गई। दुश्मनों से जान बचाते हुए दोनों भागते चले जा रहे थे, दोनों एक दूसरे से बिछड़ गए। मौत विक्की के बहुत करीब आ गई थी और अचानक मेरी जगह अनजाने में एक बेगुनाह मारा गया। वो बेगुनाह कौन था जानती हो ना? वो एक मिनट के लिए मेरी आंख लग गई थी, पर तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? अच्छा तुम कहानी सुना रहे थे ना, वो दोबारा सुनाओ ना प्लीज। तुम सचमुच सुनना चाहती हो तो सुनो, ये कहानी नहीं सच्चाई है, हकीकत है। वो चोर कोई और नहीं, मैं हूं। मेरा नाम रोहित नहीं विकी है, रोहित का हम शक्ल। तुम्हारा पति मर चुका है, तुम विधवा हो चुकी हो, तुम विधवा हो चुकी हो, तुम विधवा हो चुकी हो।
नहीं विकी, तुम ऐसा नहीं कर सकते। रोहित मर चुका है और मेरा विकी रोहित नहीं बन सकता, ऐसा नहीं हो सकता। जब मैंने तुम्हारी सिवा किसी और के बारे में नहीं सोचा तो तुमने कैसे सोच लिया कि मैं। देखो मेरी आंखों में देखो और कहो आई लव यू साक्षी, आई लव यू साक्षी वन, आई लव यू साक्षी टू, आई लव यू साक्षी फॉर एवर। ठीक है, अगर मैं तुम्हें नेहा के पास भेज सकती हूँ तो मैं तुम्हें नेहा से वापस भी मांग सकती हूँ। कह दूंगी ये तुम्हारा रोहित नहीं, मेरा विकी है। तुम्हारा रोहित तो मर चुका है, ये मेरा विकी है। मुझे मेरा विकी लौटा दो। ये सच है कि मैं तुम्हारा विकी हूं और सिर्फ तुम्हीं से प्यार करता हूं, लेकिन ये भी सच है कि नेहा मुझे अपना पति मानती है और वो भी अपने रोहित से बहुत प्यार करती है। इन दोनों में से एक सच को झूठ तो करना ही पड़ेगा ना, और तुम नेहा की दिमागी हालत को। लेकिन मेरे प्यार का क्या होगा विकी, हमारे प्यार का क्या होगा? हमारा प्यार हार नहीं सकता विकी, चाहे कुछ भी हो जाए। रोहित, 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 तुम यहाँ हो? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। आई मिस्ड यू साक्षी। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो रोहित? कब से लड़ रही है मुझसे? हमने अपनी शादी पे नहीं बुलाया ना। नाराज होने का तो हक है उसे, दोस्त है, बुरा तो लगेगा ही ना। पर सच्चा दोस्त तो वो होता है जो दोस्त की गलती को अपनी गलती समझकर माफ कर दे। चलो हम ही माफी मांगते हैं, सॉरी। स्माइल प्लीज। चलो तुम भी माफी मांगो, चलो। ये हुई ना बात, चलो अब माफी मांगने की बारी तुम्हारी है। तुम रोहित की दोस्त होकर आज का दिन भूल गई? चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, there's a surprise। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Rohit, happy birthday to you, from old friends and new, from old friends and new, happy birthday, happy birthday, happy birthday। किसी की आंखों का काजल बन जाता है, किसी की जुल्फों का बादल बन जाता है, किसी के तीरों का घायल बन जाता है। जुल्फों का बादल बन जाता है, किसी के तीरों का घायल बन जाता है, जो प्यार करता है पागल बन जाता है, पागल बन जाता है, जो प्यार करता है करता है पागल बन जाता है। Thank you.
यादें उमंगे हर माँ सपने सबके यहाँ घर अपने अपने ये सच है ये माना सबने शहर ये दिल का उजड़े तो जंगल बन जाता है शहर ये दिल का उजड़े तो जंगल बन जाता है जो प्यार करता है विकी, मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ। आज मुझे प्यार का मतलब समझ में आ गया। नेहा का ख्याल रखना, साक्षी। क्या हुआ रोहित? किसकी चिट्ठी है? किसकी चिट्ठी आई है डैडी जी? साक्षी की। वो चली गई। चली गई? हाँ। अरे, उसका बॉयफ्रेंड मिल गया होगा। वो सिर्फ हमें मिलने थोड़ी आई थी, है ना रोहित? अब वो जहां भी होगी खुश होगी। साक्षी, ये सब क्या है? कौन है तुम लोग? इस गाड़ी चोर से पूछ जो यहाँ तेरा बेटा बनकर सबको धोखा दे रहा है। बकवास बंद करो और यहाँ से दफा हो जाओ इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं। ठहरिए बाबूजी। मैं देखता हूं। आ शहजादे, आ वापस मुड़िया जानी, गलत रास्ते पर आ गया है। वापस कैसे मुड़ जाए शहजादे? अभी तक मेरे भाई की मौत का बदला बाकी है। एक बार गलती हो गई दोबारा थोड़ी होगी। चल भाग, रब दी सौ इस बार शिकार करने का मजा और भी आएगा। चल भाग, भाग।
बस भंवरलाल, बस बहुत भगा लिया, अब अगर कोई भागेगा तो वो है तू, चल भाग। तू कहाँ जा रही है? मत मारो मेरे पति को, मत मारो। ए पागल लड़की, तेरा पति ये तेरा पति नहीं है, धोखा दे रहा है तुम सबको। ए भड़ाऊ, तुमने इसे बताया नहीं कि इसके मर्द का क्या हुआ था? नहीं बताया ना? मैं बताता हूं तेरे पति को, तेरे पति को। अरे रुक, you
अब वो बिल्कुल ठीक है। ओके बाय विकी, नेहा को खुश रखना। ठहरो साक्षी। से मिले बगैर जा रही थी। अब तुम जहां भी जाओगी विकी के साथ जाओगी। विकी, तुमने मेरे पागलपन को झेला है, बहुत तंग किया ना मैंने तुम्हें। डैडी जी, आप मत रोइए। पापा, मामा, दादी जी, मैं सचमुच ठीक हो गई हूँ। किस्मत में जो लिखा था वो हो चुका। जो बीत गया वो सपना है, जो आज है वो अपना है। यार हूँ, हमदर्दों का साया हूँ, आज ये मत कहना कि बेवक्त आया हूँ। कर्ज खुद पे रखते नहीं, कर्ज चाहते हैं सब उतार के। इसीलिए तो कहते हैं ये रास्ते हैं प्यार के।